अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। आप सबको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम हम आहंग फॉर राइट्स हकूक सीरीज में, स्पॉन्सर्ड बाय शऊर फाउंडेशन फॉर एजुकेशन एंड अवेयरनेस। मैं हूँ हया खान और आपको बताते चलें कि आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वुमेन राइट्स एंड राइट टू फ्रीडम, जिनको डिस्कस करने के लिए, जिस बात को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ MNA रोमीना खुर्शीद आलम मौजूद हैं, जो कि MNA PMLN और आप यंग पार्लियामेंटेरियन फोरम की जनरल सेक्रेटरी भी हैं। सबसे पहले आपको खुश आमदीद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं, कैसे रोजे गुजर रहे हैं? थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। अच्छा मैम, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेके हम जो है इस प्रोग्राम में आपको हमने दावत दी है, हमें प्लीज बताइएगा कि आईने पाकिस्तान के तनाजुर में खवातीन के हकूक के बारे में क्या कहेंगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं समझती हूँ कि शाऊर फाउंडेशन और आपके इस चैनल को, जो रेडियो चैनल है, इसको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगी, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये ऐसे प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए जिसमें लोगों को जो है ना सिर्फ अवेयरनेस मिले बल्कि पता चल सके कि हमारे हकूक क्या हैं, और हकूक के साथ साथ जब हम हकूक की बात करते हैं तो हमारे फ़राइज़ जो हैं वो भी क्या हैं। अब जैसे आपने कहा कि आईन पाकिस्तान के तनाजुर में औरत के हकूक क्या हैं, तो आईन जो है पाकिस्तान का, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का, मेरे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का जो आईन है, वो औरत और मर्द को तमाम 25A एक्ट के तहत तमाम तर जो हकूक हैं वो दोनों के लिए इकट्ठे हैं, दोनों ऐसा नहीं है कि किसी के लिए कम किसी के लिए ज़्यादा हैं। तो इसके अंदर मैं आपको बताती चलूँ, दूसरा यहाँ पर तमाम तर जो प्रिवलेजेस हैं, फ्रीडम है, वो औरत के लिए भी उसी तरह से है जैसे मर्द के लिए है, औरत भी उसी तरह से पढ़ सकती है, औरत भी हर तरह से वो तमाम तर काम कर सकती है, औरत का जायदाद में हक भी है, जो उसकी विरासती जायदाद है उसके अंदर भी हकूक मौजूद हैं, उसको हर वो काम करने की इजाज़त है जैसे कारोबार करना, पढ़ना, लिखना, आगे बढ़ना, इन तमाम चीज़ों की जो इजाज़त है वो आईने पाकिस्तान देता है, और उसकी हिफाजत जो है उसकी भी जिम्मेदारी जो है वो स्टेट की जो है वो उसमें है, और हर औरत को यहाँ पर हक है कि वो आज़ादी के साथ जो है आज़ादाना तरीके के साथ माशरे के अंदर जो है वो काम कर सके, और उसका भी उसी तरह से तमाम जो चीज़ें हैं उनका ख्याल रखा जाए। दुनिया में हम देखते हैं कि अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, बहुत सारे ऐसे आज भी जगह मौजूद हैं जहाँ पर औरतों को तालीम से जो है वो उनका हक जो है वो नहीं दिया जा रहा, मसावी हकूक जो है वो नहीं मिल रहे, या इक्वल वेजेस जो हैं वो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में काफ़ी हद तक चीज़ें बदल रही हैं। हम देखते हैं कि खवातीन जो हैं, बच्चियाँ हमारी जो हैं, वो पढ़ाई के मैदान में, ना सिर्फ पढ़ाई के मैदान में बल्कि स्पोर्ट्स के मैदान में, एजुकेशन के मैदान में, स्पोर्ट्स में, जुडिशरी में, आर्मी में, हर उस महकमे, इंजीनियरिंग में इनफैक्ट, और ऑटो मैकेनिकिंग में भी, और ऐसे तमाम एलिमेंट्स जो शायद लोगों को लगता है कि शायद लड़कियों के लिए, औरतों के लिए मुश्किल हैं, वो वहाँ पर कंधे से कंधा मिलाकर काम भी कर रही हैं और अपने आप का अपना लोहा भी मनवा रही हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। अच्छा, हमें खवातीन के खिलाफ हर किस्म के इम्तियाजी सलूक के खात्मे के कन्वेंशन के बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत अहम, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी भी है हमारे लोगों के को जानना कि पाकिस्तान जो है उसने इंटरनेशनल जो ट्रीटीज़ हैं उनके ऊपर साइन भी किया गया है कि जो कि अडॉप्ट हुई थी 1979 में, जो UN की जनरल असम्बली थी उसके अंदर, जिसके अंदर जो है ये बहुत सारी चीज़ें जो औरतों के हकूक़ हैं उनके ऊपर जो बिल है वो भी वहाँ पर उसको डिस्क्राइब किया गया, उसको उसकी तशरीह की गई, बताया गया कि वो किस तरह से औरत जो है उसके क्या हकूक हैं, उसके लिए क्या क्या एक्शंस होने चाहिए, और कहीं पर भी उसके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन है, तासुब जो है वो नहीं होना चाहिए। और उसी कन्वेंशन को अगर हम जो वो है वो डिफाइन करती है कि औरत के पास एनी डिस्टिंक्शन, एक्सक्लूशन और रिस्ट्रिक्शन मेड ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स और जेंडर जो है उसको आप उस तरह से नलीफाई करते हैं, एम्प्लॉयमेंट का हक औरत के पास मौजूद है, वो काम कर सकती है, वो चाहे ये उसकी मर्जी है कि वो लाइक उसका जो मैरिटल स्टेटस है या वो सिंगल रहना चाहती है, इस तरह की तमाम तर जो चीज़ें हैं ह्यूमन राइट्स की जो जिस तरह से हम तशरीह करते हैं मैं इसके ऊपर, बल्कि मैं तो समझती हूँ कि आपको सीरीज ऑफ दो तीन प्रोग्राम्स के करने चाहिए ताकि हम मजीद जो है वो एक एक चीज़ को बता सके, और आपने और उसके साथ साथ जो है वो ये कि खातून जो है वो चाहे पॉलिटिक्स हो, इकॉनमी हो, सोशल साइड हो, कल्चर हो, उसके बाद सिविल
कोई भी ऐसा फील्ड जो है उसके अंदर वो काम कर सकती है, जिसमें आर्टिकल 16 है, फिर आर्टिकल उसका पार्ट 2 जो है वो आर्टिकल 79. मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि हमारे वो लोग जो सुन रहे हैं वो अगर चाहें तो वो इसको रिसर्च इसके ऊपर ज़रूर करें. फिर उसी का पार्ट 3 जो है उसमें आर्टिकल 10-14 जो है वो बहुत प्रॉपर तरीके के साथ जो है वो आपको ब्रीफ करता है. फिर इसी के अंदर आर्टिकल आपका जो पार्ट 5 है उसमें आर्टिकल 15 और 16 जो उनसे हैं वो तमाम तर इक्वालिटी के जो राइट्स हैं, जो तरीकाकार हैं, उनको उस पे वाज़ह रोशनी डालता है. यहाँ पे हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, हमारे साथ रहिए. लिसनर्स वेलकम बैक. आपको बताते चलें, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हम अहंग फॉर राइट्स, हकूक सीरीज है, और आज का जो टॉपिक है दैट इज ख्वातीन के हकूक और आज़ादी इजहार का हक. हमारे साथ रोमीना खुर्शीद आलम मौजूद हैं, हमें कुछ आर्टिकल्स के हवाले से भी बता रही थी. जी मैम. जी इसी तरह से मैं आपको बताऊं कि देखें उसी उसके अंदर जो है किस तरह से जो रेप और ऑनर किलिंग है उसके बारे में भी डिफाइन किया गया है. एजुकेशन की मतलब ये तमाम आर्टिकल जो मैंने बताए, अगर इनको अगर लोग पढ़ें और इनको सुनें या समझने की कोशिश करें तो उसमें तकरीबन तमाम तर चीज़ें जो हैं वो आया हैं. और इसके साथ साथ देखिए मैं समझती हूँ कि सिर्फ इंटरनेशनल ट्रीटीज़ ही नहीं, अगर आप जो आपका अपना आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, वो भी अगर हमारी जो ख्वातीन हैं, बल्कि ख्वातीन क्या तमाम तर लोग स्टूडेंट्स हों, बड़े हों, बच्चे हों, उनको चाहिए कि वो उसको ज़रूर पढ़ें, क्योंकि उसको पढ़ने से आपकी बहुत सारी चीज़ों पर आपको जो क्लैरिटी है वो उसमें मिल जाती है. सही. अच्छा मैम, ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान की ख्वातीन को दरपेश अहम मसाइल और चैलेंजेस क्या हैं. देखिए पाकिस्तान में मैं समझती हूँ, पाकिस्तान में नहीं तमाम तर दुनिया में, चाहे कितना भी कोई डेवलप्ड ममालिक हो, मसाइल जो हैं वो हर किसी के कुछ एक ही जैसे होते हैं. जैसे इक्वल वेजेस का मसला आ जाता है, जॉब्स अपॉर्चुनिटी का आ जाता है, इक्वल लाइक आपकी ग्रोथ का प्रॉब्लम आ जाता है, फिर उसके बाद इनसिक्योरिटीज ऑफ आपकी जिस सराउंडिंग में आप काम कर रहे हैं, हरासमेंट के इश्यूज हैं, हरासमेंट एट वर्किंग प्लेस है, और इसके बाद देर आर सेवरल चैलेंजेस जो कि मैं समझती हूँ कि मैं और आप हम बखूबी जानते हैं, हमारे सामीन भी समझते हैं, लेकिन इनका हल किस तरह है. देखिए मैं आज भी, अब तो खैर सूरत हाल मैं ये नहीं कहूंगी कि 100% जो है वो बिल्कुल कोई सुनहरी हो गई है, देर आर सो मेनी इश्यूज, लेकिन आज भी जब हम पाकिस्तान में देखते हैं तो मुझे ये लगता है, ये मेरी जाती राय है, कि आज फिर भी काफी हद तक कुछ जगहों पर चीजें जो है वो बहुत बेहतर हो चुकी हैं, बदल गई हैं, क्योंकि हमारे आप देखिए पाकिस्तान में आजादी का जो इजहार आजादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो अब इतना लाउड और क्लियर हो चुका है कि चाहे वो कोई भी सोशल गैजेट हो उसके ऊपर लोग अपने इजहार अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, और बड़ी उनको कोई भी हो उनको लगता है कि उनके पास लाइसेंस है कि वो किसी की इज्जत उतार भी सकते हैं और चढ़ा भी सकते हैं. खैर लेकिन उसके साथ साथ दूसरा जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम ख्वातीन को ग्लोबली हमने देखा है, आज भी पाकिस्तान में मैं ही समझती हूँ कि जॉब्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर ख्वातीन जो है वो इक्वली काम कर रही है और मर्दों से ज्यादा अच्छा काम कर रही हैं, और चाहे वो सीएसएस की फील्ड हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो आर्मी फील्ड्स हो, चाहे वो जो आईटी की साइड हो, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में सूरत हाल काफी हद तक बेहतर हो रही है. और हमें ये बिल्कुल मुझे खुशी और फख्र है कि जब हम ग्लोबली बहुत सारे ऐसे डेवलप्ड कंट्रीज में जाते हैं तो वहां पर आज भी जो ख्वातीन हैं उनके इस तरह के इश्यूज हैं कि वहां पर उनको इलेक्शन लड़ने तक की इजाजत बहुत सारी जगहों पर नहीं, वोट डालने का हक नहीं है. पाकिस्तान में अब हम देख रहे हैं कि औरत जो है उसको आजादी भी हासिल है और वो हर तरह से अपनी राय का इजहार भी कर सकती हैं, लेकिन उन तमाम बातों के लिए मैं समझती हूँ सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो ये है कि आपको अपने आईन के मुताबिक पता हो कि आपका राइट क्या है, क्योंकि जब आपको अपने हक का पता होगा तो आप जब किसी से बात करेंगी या आप कहेंगे तो मेरे नहीं ख्याल में कि मसाइल उस तरह से होंगे, और अगर हो भी तो आपको उसका सोल्यूशन जो है वो भी आपका आईन उसमें क्लियर देता है.
जी बिल्कुल. ओके, टेल अस, यू हैव एन आइडिया दैट पाकिस्तान हैज़ पैट्रियार्शल सोसाइटी जहाँ पे लड़कियों की तालीम के जो मौके हैं बहुत ज़्यादा कम हैं, और आप क्या कहेंगी कि लड़कियों की तालीम से मुतलिक जो चैलेंजेस हैं वो क्या हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आज भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बच्चियों को तालीम की जो है वो सहूलत मैसर नहीं है. कहीं पर वालदैन इस चीज़ पे रोक लेते हैं, कहीं पर सोसाइटी प्रेशर्स ऐसे हो जाते हैं. मैं एक ज़रूर जो बात है इस सवाल के जवाब में जाने से पहले यहाँ पे अपने सुनने वाले तमाम सामीन से ये ज़रूर गुजारिश करूँगी कि आप कोई भी हैं, आप मतलब खातून हैं या मर्द हैं, नौजवान हैं, एक चीज़ ज़रूर जहन में रखें कि अगर आप किसी की इज्जत करेंगे तो कल आपकी भी इज्जत होगी. आप किसी की बहन बेटी की इज्जत या किसी औरत की एज अ औरत इज्जत करेंगे कि ये सोच के कि आपकी औरत की किस तरह से, अगर मेरे नहीं ख्याल में कि हमें अच्छा लगेगा, किसी भी मर्द को अच्छा लगेगा कि उसकी बहन या बेटी या बीवी घर से बाहर निकले तो लोग उसको जलील करें, उसको तशद्दुद करें, उसके साथ बदतमीजी करें, उसके साथ गलत रवैया करें. लेकिन एक चीज जो निज़ाम दुनिया है बना हुआ है वो ये है कि कारमा हमेशा आप तक आता जरूर है. अगर आप किसी के साथ बुरा करेंगे तो आपके साथ होगा, ये यकीनन होगा, चाहे कहीं पर भी हो, कैसे भी हो, होगा जरूर. तो इसलिए कोशिश जरूर करें कि आप एक दूसरे की इज्जत जरूर करें. जहां तक पाकिस्तान में चैलेंजेस की बात है बच्चियों की, तो मैं ये समझती हूं कि एक बहुत बड़ी वजह ये भी आती है कि जब वालिदैन या बहन भाई ये देखते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो माशरे में जब बाहर निकलते हैं स्कूल में तालीम पाने के लिए तो वो शायद सेफ नहीं है जी. उनके उनके साथ उनको एक ये जो खौफ है ये भी एक बहुत बड़ी रीजन होती है आप बच्चियों को तालीम के लिए नहीं भेजते, क्योंकि आपको ये लगता है कि सोसाइटी आपका वो जो माशरा है वो आपका जो सराउंडिंग है वो इस हवाले से सेफ नहीं है. तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसपे जाहिर है हम लोग सब लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये एक ऐसा एलिमेंट है कि कोई भी यहाँ पर, मैं समझ रही हूँ कि जो सामीन हमारी बात सुन रहे हैं, मैं उनको ये जरूर कहूंगी कि बेटी को पढ़ाना ऐसे ही है कि आप एक खानदान को बना रहे हैं, संवार रहे हैं, और तालीम ही खाली जो है वो मैं समझती हूँ कि मुकम्मल तब तक नहीं होती जब तक आप अपनी बेटी को टेक्निकली कोई स्किल नहीं देते. उसकी वजह यह कि जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आते हैं, उन उतार चढ़ाव पर काबू पाने के लिए, उन उतार चढ़ाव का मुकाबला करने के लिए, क्योंकि आज के दौर में माँ बाप अगर खुदा ना खास्ता कोई बेटी खुदा ना करे कोई बेटी बेवा हो जाती है, कहीं पर कोई हादसा हो जाता है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो आज वो वक्त है कि आप कंधे के साथ कंधा मिलाकर चल सकते हैं. लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल में आपकी बेटी तालीम तरबियत से बिल्कुल नहीं होगी, उसके पास ना कोई हुनर होगा ना तालीम होगी, तो वो कैसे किसी चैलेंज का मुकाबला कर सकती है. तो मेरे ख्याल में अगर हम इस तरह से सोचें तो चीज़ें बहुत बदल सकती हैं. लेकिन ये इसके ऊपर काम भी हो रहा है. इस वक्त की जो दौरे हुकूमत है वो इस पर काफ़ी सीरियस एक्शन भी ले रही है, काम भी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि चीज़ें बहुत जल्द बेहतरी की तरफ जरूर जाएंगी. जी इंशाल्लाह. नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की अगर हम बात करते हैं, व्हाट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी आज़ादी इजहार का हक, ये है क्या? देखिए, पहले तो मैं समझती हूँ कि जो आज़ादी इजहार है हमें खुद में इसको डिफाइन करने की ज़रूरत है. एक तो वो है जो कि आईन के मुताबिक मौजूद है, लेकिन एक सोशल एलिमेंट जो कि बहुत ज़रूरी है, और वो ये होता है कि आप किस किस्म की आज़ादी चाह रहे हैं. जी. एक आज़ादी वो है जो आईन देता है, लेकिन आज़ादी इजहार में हम जो, और वो हर किसी का हक है, लाइक मैं समझती हूँ आपको हक है, मुझे हक है, हर किसी को हक है कि वो जो राय रखता है उसका वो ज़रूर इजहार करे. लेकिन क्या वो राय का इजहार दूसरों के लिए तकलीफ का बायस तो नहीं बन रहा? ठीक है, आप गलत को ज़रूर गलत कहें, लेकिन उस गलत और सही की दौड़ में आप इस तरह ना आगे चले जाएँ. और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ मैं समझती हूँ कि तहकीक किए बगैर आप किसी के बारे में उस तरह से राय ना दें. बेशक कि आपको आईन ने इजाजत दी है कि आप अपनी जो इजहार है, इजहार राय जो है वो आप बयान कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें चीज़ देखने की ज़रूरत है. जैसे अमूमन हम देखते हैं कि बहुत जल्दी हमारे माशरे में सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है वो समझा जाता है कि जिसको कुछ नहीं मिलता वो सबसे पहले आपकी किरदार कुशी पर आ जाता है, चाहे वो औरत हो, चाहे वो बच्ची हो, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो कोई भी हो. हम एक लम्हे के लिए भी ये नहीं सोचते कि जो आज
हम किसी के लिए बीज बो रहे हैं, कल को हो सकता है वो पौधा हमें ही काटना पड़े. और ये होता है, यकीन मानिए कि ये मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा है, ये ऐसा होता है. लेकिन आप इस हद तक आगे चले जाते हैं और वो फिर जैसे ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया और फेसबुक हो गया, इन तमाम मॉड्यूल्स को हम अच्छी चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. आप अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, लेकिन इस तरह से ना करें कि आप किसी की पगड़ी उछाल दें, क्योंकि आपका एक लम्हे का वो जो चस्का है, मैं माजरत के साथ ही लफ्ज इस्तेमाल करूंगी, या आपकी जो वो ख्वाहिश है या आपका वो जो जोश है दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, वो शायद किसी की जिंदगी को तबाह भी कर सकता है. तो इसलिए इजहार राय जरूर होना चाहिए, आपको जरूर करना चाहिए, लेकिन आपको ये जरूर देखना चाहिए कि कानून के मुताबिक किस तरह से है. और दूसरी बात यह कि क्या लिमिटेशंस होनी चाहिए, क्योंकि माजरत के साथ हमारा देखिए कहीं पर भी कोई भी कानून, कोई भी मजहब जो है वो इस चीज की इजाजत नहीं देता. लेकिन हम बहुत सारी बातों में तो अपने मजाहब और कानून की बात करते हैं, बार बार हम सुनाते भी हैं, लेकिन एक इंसान होते हुए हमारी क्या जिम्मेदारी है और हमारी तरबियत क्या है, हमारा ब्रॉटअप क्या है, इन तमाम चीज़ों को भी जरूर जहन में रखना चाहिए. और यही मैं समझती हूँ कि इजहार ख्याल यही नहीं है कि आप किरदार पे गंद उछाल दें तो वो होगा या किसी को आप दौड़ में लग जाए. सबसे ज्यादा ये है कि आप इजहार करें उन चीजों के ऊपर जिससे बेहतरी आ सके, जिसमें आपका माशरे का भला हो सके. और हाँ, जो गलत है उसको आप जरूर गलत कहें, लेकिन उसके लिए मेरे ख्याल में बिलो द बेल्ट जाने की हम में से किसी को जरूरत नहीं है. और आईन भी इजाजत देता है, और मैं समझती हूँ हम उन खुशकिस्मत ममालिक में से हैं जहां पर हर किसी को वाफर हक हासिल है अपने ख्याल का इजहार करने का, क्योंकि हम देखते हैं कि ट्विटर पर रोज मेरे हाल में 24 घंटे जो है वो ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, वहां पर लोग अपने इजहारे राय जो है बड़ी खुल के दे रहे होते हैं. जी बिल्कुल सही. अच्छा ये मुझे बताइए कि हाउ विल लिमिट द राइट, जैसे कि आपने अभी काफी एक्सप्लेन भी किया, तो लिमिट कैसे किया जाए इसको कि ताकि हम फ्रीली एक्सप्रेस ना कर सके उस चीज को जो कि हार्म करती है किसी की डिग्निटी को. देखिए फ्रीली यू कॉन्ट डिफाइन, तो हम जाहिर है आप बेसियत इंसान होते हुए हम सबको पता है, इसीलिए हम अशरफुल मखलूकात कहलाते हैं कि हमें हर इंसान को उसकी डोमेन का भी पता है, हर इंसान को ये भी पता है कि मेरा मेरी हद कहाँ तक है, मुझे कहाँ तक बात करें. तो इसलिए मैं नहीं समझती कि मैं आप हम किसी को हद दे सकते हैं, या मैं किसी को यहाँ पर बैठ के ये लेक्चर दे सकती हूँ कि ये मत यहाँ तक ना कहें, यहाँ तक ना कहें. हर एक के अंदर एहसास जिम्मेदारी, बहसीत इंसान और बहसीत जिस रमजान का महीना है, तो मैं तो यही कहूंगी कि बहसियत चाहे हमारा ताल्लुक किसी भी मजहब से हो, लेकिन ऑफकोर्स हर मजहब जो है वो एक दूसरे की इज्जत करना तो सिखाता है. और तरबियत करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप अपने अल्फाज का चुनाव जो है वो उनको बहुत देख सकते हैं. और मैंने जैसे एक बात जरूर कही कि कोई भी काम करने से पहले, किसी के ऊपर भी राय देने से पहले, एक तो मैं समझती हूँ कि आई डोंट थिंक सो कि हमें किसी को भी जज करने का हक हासिल है. लेकिन ठीक है, हम लोग इंसान होते हुए हमें जज करना भी होता है, कई दफा करते भी हैं, लेकिन मेरे ख्याल में एक हद तक रहना और तहकीक करके बात को करना हमारी एक माशरती जिम्मेदारी भी है. आपको बहुत जरूरी है कि बहसियत ए पाकिस्तानी, बहसियत इज एक सिटीजन ऑफ दिस कंट्री. अब देखें यही हमारे लोग जब किसी हम दूसरे मुल्क में जाते हैं तो वहां पर बात करने से पहले हम 10 दफा सोचते हैं. अब अपने मुल्क में उतरते हैं तो हम कहते हैं हमने लाइन में नहीं लगना, हम एक दूसरे को धक्का भी दे देते हैं, लेकिन बाहर जो ही हम उतरते हैं तो हमें पता है कि अगर हमने एक लाइन को क्रॉस किया या किसी के साथ बदतमीजी की या गलत किया तो हमें कानून क्या सजा देगा. लेकिन वहां पर हर वक्त कानून तो मॉनिटर नहीं करा होता, लेकिन एक इंसानी जो आपकी बहसियत शहरी आपकी जिम्मेदारी है वो बहुत जरूरी होती है. तो आई थिंक मैं नहीं समझती कि मुझे ये कोई हक हासिल है कि मैं यहां पर कहूं कि आप इस तरह से मैं इसको डिफाइन कर सकूं. मैं समझती हूं कि मुझे अगर पता है कि मेरी हद क्या है और मुझे किस हद तक रहकर किस में क्या कहना चाहिए, तो हमें से हर एक को पता होता है. लास्ट में आपसे पूछना चाहूंगी कि आप हमारी वुमेन लिसनर्स को क्या पैगाम देंगी खास तौर पर, या क्या पैगाम देंगी लिसनर्स जो आपको सुन रहे हैं. मैं सबसे पहले तो अपनी तमाम तर बहनों से, बेटियों से जो है वो जरूर कहूंगी कि औरत जो है वो एक रब की बहुत बड़ी खूबसूरत नेमत है. बेशक एक ऐसी नेमत जिसके पैरों में अल्लाह ताला ने
جنت کا, اس کے پیروں میں جنت کا درجہ دے دیا. ماں کی خدمت جو ہے, ماں باپ کی خدمت, اس کا بارہا حکم بھی دیا. لیکن میں ضرور یہ کہوں گی کہ بحثیت عورت نہ آپ کمزور ہیں, انسان تو کوئی بھی کمزور نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں کہ چھوٹے سے چھوٹا کام ہو یا بڑے سے بڑا پہاڑ ہو, عورت سر کر سکتی ہے. کیونکہ عورت کو رب کی ذات نے وہ صلاحیتیں دی ہیں, کیونکہ وہ ملٹی ٹاسکنگ کر سکتی ہیں. وہ ماں ایک ہی وقت میں جب وہ صبح اٹھتی ہے, میں اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں آپ وومن ڈے پہ بلیو کرتی ہیں, تو میں انہیں کہتی ہوں جی میں بلیو نہیں کرتی, کیونکہ میرے لیے تو ہر دن عورت کا دن ہے. کیونکہ صبح جب وہ فجر کے وقت اٹھتی ہے تو تب سے لے کے رات کے پہر ہونے تک وہ تو کئی محاذ لڑ رہی ہوتی ہے. کہیں پہ وہ بحثیت ماں, کہیں پہ بحثیت بیوی, باہر نکلتی ہے تو کام, دنیا کو علیحدہ سے دیکھنا ہے, فیس کرنا ہے, گھر واپس آنا ہے. تو وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ میں تھک گئی ہوں, کیونکہ اس کے گھر والوں کو اعتراض ہو سکتا ہے کہ یو نو دیر آر سو مینی دیز ٹائپ آف تھنگس. لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ آپ جو بھی ہیں, لیکن آپ کو رب کی ذات جو ہے اس نے آپ کو بھی حق دیا ہے. آپ اپنی عزت سب سے پہلے کریں. جب آپ اپنی عزت خود کریں گی تو دوسرے خود مجبور ہو جائیں گے آپ کی عزت کرنے کے لیے, بھی ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ ارادے جن کے مضبوط ہوتے ہیں ان کے لیے بڑے سے بڑی چٹانیں جو ہیں سر کرنے کا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی مرحلہ جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے. اور باقی میں یہی کہوں گی کہ آپ کبھی بھی اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھیں, کم نہ سمجھیں. آپ جو بھی ٹھانے اور میرے نہیں, اور ایک چیز ضرور کہوں گی کہ جو مائیں سن رہی ہیں وہ یہ ضرور میں ان سے گزارش کروں گی کہ اپنی بیٹیوں کو کوئی نہ کوئی ہنر ضرور دیجیے. نوکری کوئی حل نہیں ہے کسی بھی مسئلے کا. ہنر جو ہے وہ آپ کو کبھی نہ بھوکا مرنے دیتا ہے, اور کوئی کام بھی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا. جی, صرف کرنے کی ہمت ہونی چاہیے اور لگن ہونی چاہیے. جی بالکل, تھینک یو سو مچ, اور بہت اچھا لگا. اینڈ لسنرز اینڈ ویورز, اب ہم چاہیں گے آپ سے اجازت. دا پروگرام واز اسپانسرڈ بائی شعور فاؤنڈیشن فار ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس.